भाभी जी घर में क्या हुआ था, क्या गॉसिप थी? हाँ, पर फ्रेंकली यहाँ पे मेरे पास इसलिए गॉसिप नहीं है क्योंकि करण भाई के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, तो हमारा कभी उसके साथ कोई किसी भी किस्म का अच्छा या बुरा रिश्ता नहीं है। सो ये अगेन मैंने कहा ना, पर्सन टू पर्सन है। अगर उसे उसे ये लगा, किस वजह से लगा जिम्मेदाराना है, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आस्क माई ऑफिस टू सेंड हिम अ लेटर, यू नो, रिक्वेस्टिंग हिम दैट वाई ही हैज़ गिवन द स्टेटमेंट, एंड इफ ही हैज़ गिवन ही मस्ट हैव सम प्रूफ और सम समथिंग टू टेल अस। इफ आई गेट एन आंसर फ्रॉम हिम आई विल शेयर विद यू। See, anything will come to us, we'll respect that and we'll, you know, obey the orders or whatever. They want to monitor the show, they want to watch anything. Anything is going to come to us, we are going to respect it. Simple. अब ऐसा है कि बेचारे सादे सीधे लोग हैं, आज तक कभी मीडिया से इंटरेक्शन हुआ नहीं। अचानक इतना सारा मीडिया जब बात करने लगता है तो हर आदमी समझ नहीं पाता, बौखला भी जाता है और कुछ चीज़ उन्हें समझ आती है। बट सेट पर अगर आप बात करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे वन से दे आर फ्रेंड्स। जिस तरह आपके वो 9 और 18 साल के बच्चों की एक केमिस्ट्री होती है, वो उसी तरह हंसते हैं, खेलते हैं, वो उसको पढ़ाई में मदद कर देती है कभी जब वो बुक्स लेकर आता है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल, नोबडी इज़। ये तो इतनी बातें क्योंकि लोगों ने कर करके कर दिया, तो थोड़ा बहुत कई बार बच्चा है वो हो जाता है, बट अदरवाइज ही इज़ वेरी स्वीट किड। नहीं कर सकता, नो वन, ओनली ऑडियंस का रिस्पॉन्स ही प्लॉट को अफेक्ट कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि टीवी इंडस्ट्री में बहुत जनों ने सपोर्ट भी किया है, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और बहुत लोगों ने किया है। हम स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, चाहे हम टीवी इंडस्ट्री में हो चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो। अगर उन्हें कुछ लगता है और बोलने का मौका मिलता है, उन्होंने कहा होगा। नो, बिकॉज हमने कहा नहीं, कहानी है ही नहीं। अगर एक आदमी ने ये वचन मांगा और वो कह रहा है लीगल नहीं है, मेरे लिए कर दे, तो क्या करती मैं उसके साथ बैठ के जब वो बेड पे पड़ा है? मैं ये बातें तो नहीं करती कि सुनियो देखो ये फिर बाल विवाह हो जाएगा, ये हमारे देश में ऐसा है, वो कह रहा है बैन नहीं, बैन है, गलत है, मेरे बेटे की रक्षा के लिए कर दे। कहानी तो ये है, वो कह ही नहीं रहा है कि मैं इससे बाल विवाह को प्रमोट कर रहा हूँ या हमने किसी तरह के किसी माँ बाप ने ये किया हो, कुछ भी नहीं। ये उस मरते हुए आदमी को लगा कि मैरिज इज़ द ओनली सॉल्यूशन, इस उसकी अपनी फीलिंग थी। वो किस हक से उसको उस घर में रखता, क्या बोल के उसको उसकी पहरेदार बनाता? उसे उस वक्त नीड ऑफ आर में समटाइम्स हम जिस वक्त होते हैं कि हमारे पास 15 मिनट का वक्त है, हमारा दिमाग हर चीज़ सही ही सोचे ज़रूरी नहीं है। वो सेल्फिश बाप था, उसने जो ज़िंदगी चुनी दिया के लिए, अपने बेटे की सुरक्षा के लिए चुनी, हल्का सेल्फिशनेस उसमें आया। बट उस वक्त उसको नीड ऑफ आर में यही सूझा कि ये एक लड़की है जो मुझे शार्प दिखती है, मुझे इसमें ब्राइट दिखती है, ये मेरे बच्चे को बचा सकती है और कोई नहीं। उसने ये मांग कर ली। ये उस आदमी को नहीं सूझा जो मर रहा था। प्लस जो आप बोल रहे हैं, अगर वो भी वो बन जाती, वो एक 18 साल की लड़की को आज 12 साल की तपस्या दे रहा है कि ठीक है 12 इयर्स बाद तेरी मैरिज हो जाएगी, तब तू हैप्पी होगी। माँ बना के वो उस लड़की को क्या ज़िंदगी देता? कुछ भी नहीं। कि तुम 18 साल की उम्र में तुमने कोई सुख नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, तुम सीधी माँ बन जाओ मेरे बच्चे की और सब कुछ त्याग दो, अपने जीवन के सारे सपने सारे अरमान त्याग दो। आज तो उसने सिर्फ 12 साल की तपस्या दी है। मुझे ओके।
अभी तक टीआरपी अगर 2-3 आ जाती तो मैं आपकी बात समझती, अभी जो टीआरपी आई है वो तो हमें लगता है हमारे कंटेंट के बलबूते पर ही आई है। जिस दिन आ गई तो फिर सर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम। So it, पॉसिबिलिटी है क्योंकि तब तो शो प्रोग्रेसिव हो जाएगा ना, 21 साल का लड़का और 30 साल की लड़की तो प्रोग्रेसिव शो होता है। बट मुझे अगेन यही नहीं समझ में आ रहा है कि आज हम कहाँ हैं देश में, अच्छाई करना रिग्रेसिव कैसे हो गया? मुझे यही नहीं समझ में आता है कि आप सब लोग बैठे हैं, आप किसी का भला कर रहे हैं, कोई मरते हुए आदमी को एक जिंदगी में वचन दे रहे हैं, ये रिग्रेसिव कैसे है? अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जिस देश में हम रहते हैं हमने ऐसी कहानियाँ पढ़ी है कि हमारे ही देश में एक राजपूत रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी, भाई बनाया था, बिकॉज उसको ज़रूरत थी उस वक्त हुमायूं की, उस जगह को बचाने की। कई लोग थे, राजा तो बहुत सारे थे, एक मुगल शासक को क्यों भेजा उसने, वो ज़रूरत थी और वो आया भी। आज हम उस कहानी को सुनाते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि देखो ऐसा होता है भाई बहन का रिश्ता। अगर कोई किसी की अच्छाई, हाँ पर अगर अच्छाई के लिए ब्रदर सिस्टर या शादी कुछ भी हो सकता है ना, आप कैसे मानते हैं? या बट हाउ इट्स इररिस्पॉन्सिबल? आप अगर दिया की जगह होती, आपकी ज़िंदगी किसी ने बचाई होती और वो आदमी मरता हुआ आपसे कहता कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए कर दे, आप क्या करती? बट अगेन मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है क्रीपी, आप कौन सा, नॉट एट ऑल। हमने ऐसी कोई बात नहीं बताई जो रोज़मर्रा के घरों में नहीं होती, हमारे घरों में होती है ये बातें। आप अपने भाई के सुहागरात का कमरा घर में सजाती हैं कि नहीं सजाती हैं? उस वक्त आपके बच्चे क्या करते हैं देखते हैं, आप क्या जवाब देती हैं? तब आपने बंद कर दिया कि नहीं अब से कमरा नहीं सजेगा? हर घर में हमारे देश के छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़े शहर में सजता ही है, हम खुद लाके फूल लगा के सजते, सारे बच्चे घूमते हैं उस कमरे में। पर मुझे ऐसा लगे मैं कुछ गलत दिखा रही हूँ, जैसे मैंने आपको बोला इफ आई फील कि मैंने कोई ऐसी चीज दिखाई है जो हम घरों में बात नहीं करते, जिसको बात करने में हम अनकंफर्टेबल होते हैं, तो मैं ज़रूर मानती कि हाँ ये चीज़ हमने फिक्शनल तौर पे दिखाई है और वैसे ये मेरा सोच नहीं थी। आई एम द फर्स्ट पर्सन जो आके आपको ये कहता। क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो टेलीविजन पे बहुत कुछ ऐसा देखा है जो एडल्ट, सीरियल्स आल्सो, बट कहाँ है हनीमून सीन? पर कहाँ है हनीमून सीन? वही मैं कह रही हूँ कि आप सब फैमिली मैन हैं, सबके घरों में हैं, अगर आपके यहाँ शादी होती है, कपल घूमने जाता है, आप बोलते हैं कि नहीं वो हनीमून गए? सब बोलते हैं एयरपोर्ट पे, इस पे उस पे, ये हनीमून पे जा रहे हैं। अरे आपके उनकी शादी, हनीमून कहाँ जा रहे हैं? दिस इज द कॉमन वर्ड वी यूज, इसमें क्या गलत है? नहीं पर हमने नहीं दिखा, आपने देखा है हनीमून सीन? नहीं आपने देखा है हनीमून सीन? नो ऑफकोर्स नहीं, आपने हनीमून सीन देखा है? बिकॉज देन ओनली वी कैन डिस्कस। अगर आपने देखा है डेफिनेटली आई विल डिस्कस। जिसको आप हनीमून सीन बोल रहे हैं वो क्या है? सेटिंग क्या आप देखेंगे तो मुझे पता चलेगा ना जिसको आप कह रहे हैं। द वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर दैट वी आर मेकिंग अ ड्रामा, राइट? इट्स अ शो, इट्स अ फिक्शन सीरीज,
what will be the role play of the negative force in the show? If they will not highlight the things which are going to turn wrong or make the other weaker, what will be their role? They are doing exactly the things which are making your main lead uncomfortable. They are playing all these cards only. नहीं और same चीज़ उन्होंने की मुंह दिखाई पे जहाँ उन्होंने उसको gold digger तक बोला ये किसी ने बोला ही नहीं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की किसी ने the same things they are doing मुंह दिखाई पे चिढ़ा रहे हैं first night पे इस तरह चिढ़ा रहे हैं honeymoon बोल के चिढ़ा रहे हैं कुछ हो तो रहा ही नहीं है it's just word जो आप कह रहे हैं ना we are using the word जो हम घरों में use करते हैं nothing beyond that After the show, normal people with 10-year-old kids, they are also telling there has been incident, there are a lot of comments that kids are telling their parents that humne bhi shaadi karni hai, watching after the show. Haan. So there, yeah, there has been a lot of comments that our kids are saying, mama, humne bhi shaadi karni hai. ये जो आप बोल रहे हैं ये मैंने इन जनरल इस तरह भी देखा है कि जब जो आप बोल रहे हैं घरों में जब शादी होती है जेवर आते हैं कपड़े बनते हैं जब एक बहुत अटेंशन मिलता है चीज़ों को तब भी बच्चे बोलते हैं शादी में इतनी सारी चीज़ें मिलती है मेरी भी शादी करा दो मेरी थिंक कुछ चीज़ अगर आप देखते हो बच्चे के अपने पर्सपेक्टिव से बोलते हो और हम समझाते हैं कि ये एज होती है ये नहीं होती है यही चीज़ वो यहाँ दिखा रहा है हम शो में भी यही समझा रहे हैं कि ये एज नहीं है ये सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से ये हुआ पर हम वापस उस पर आ रहे हैं ना कि हम कोई ऐसा सीन दिखाएं तो किसी की साइकोलॉजी पे इफेक्ट पड़े ना हम तो उसको दिखा ही रहे दोस्त है कोई ऐसी बात ही नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है रोमांस कर रहा है हनीमून मना रहा है लंदन जाके लंदन जाते तो हम भी जाते ना बट ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसकी साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड द काउंसलिंग बोल लीजिए या करेक्ट एनवायरनमेंट फॉर द किड ऑन द सेट यू नो ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ वेरी वेल सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एज वेल बिकॉज ही इज शूटिंग डे एंड होल डे विद अस हिज पेरेंट्स और इंक्लूडिंग अस वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द किड्स यू नो वेलफेयर or health or mindset or everything we are constantly working on that it's not that we are just asking him to shoot just say the lines and go away no we are just handling that age very well I can say so it says it's so bad right now but when you started off did you think the show is a good bet money wise this is a I think we are in profession we are going to make the shows which we feel which we feel that will deliver right first of all not this show only every show and for the concept selection this is the last thing we think ever it's going to be a hit no we love to tell the stories which we love to create simple except this your wale kya ek tarah ye show controversy mein naam dusra उसकी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आज सिर्फ पहरेदार पीआर उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा बट वी रियली वांट टू नो कि सिद्धार्थ के टेंशन की न्यूज़ जब से वो शो शुरू हुआ है तब से आ रही है यार उसके लिए अलग से लाइन लाइट दो ना थोड़ी यार दो अलग अलग न्यूज आएंगी तो कितना अच्छा लगेगा हमारे जैसे प्रोड्यूसर कभी आई स्वेयर कभी इतने सारे माइक्स और कैमराज प्रोड्यूसर्स पे लगे नहीं है लेट अस चेरिश दैट यू नो कौन आ गया जी वापस घर की बात है अलग से कर लेंगे यार कि वापस आता लेट्स नॉट डिविएट आवरसेल्व्स या लेट्स टॉक अबाउट पहरेदार पूरा तो बोल दें ये तीसरा मुद्दा हो गया वापस गाना पड़ेगा पहरेदार सर हम तो इस मामले में पूरा डे बाय डे कोर्स के साथ जाना चाहेंगे इतना एडवांस में हम सोचना नहीं चाहते हैं हमारा इस वक्त फ़र्ज सिर्फ इतना है कि हमारे फैक्ट सामने रखना जैसे हम आज आपके सामने रख रहे हैं वैसे ही हम बीसीसी के सामने भी रखना चाहेंगे मिनिस्ट्री के सामने भी रखना चाहेंगे उन्हें भी रिक्वेस्ट एक ही बात की करेंगे कि एक बार आप प्लीज़ कॉन्टेंट देख लीजिए उसके बाद जो भी उनका निर्णय होगा वो सर आँखों पर और उसके बाद का जो भी डिस्कशन है वो उसके बाद होगा अभी से करने का कोई लॉजिक ही नहीं है उसको
what kind of support you have got from the channel? Obviously, they're supporting you, but what are the guidelines they have? So I think we are together and in glove, so they are very confident about the content and they are and they know what we have written. हमने मतलब वो तो हमारे एपिसोड देखते हैं और कोई देखे ना देखे, so they know कि हमने ऐसी कोई चीज लिखी ही नहीं है जो गलत है. And Sudhir ji, when the promos came out, you said that you really enjoyed the backlines that you received. Yes, of course, of course. अभी क्या रिएक्ट हो? नहीं अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया. हाँ तो थोड़ा अभी मतलब ऐसे करना पड़ रहा है. We don't overeat. No, मतलब I तो don't prefer to overeat, so it's like overeating now. So that's why I'm here to just, you know, diffuse it. So backlashing से घबराने वाला कोई मुद्दा नहीं है, ना हम उससे डरते हैं, because we know our job is good and honest. So that's not the point. बस सिर्फ ये है कि जो एक commonly हम देखते आए हैं आज तक शायद कि सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना अफवाहें फैलती हैं. So ये backlashes से हट के अब चीज़ें अफवाहों का रूप बड़ा ले रही हैं. So उसे ही एक convert करने की एक कोशिश है ये कि हम मैम अभी राइट नाउ द मीटिंग इज गोइंग ऑन बिटवीन आई एफ टी पी सी एंड ब्रॉडकास्टर. राइट नाउ इट्स ऑन एंड आई हैड टू स्किप दैट. आई सेड सॉरी टू माई टीम फेलो मेम्बर्स प्रोड्यूसर्स एंड आई एम हियर. सो आई डोंट थिंक आई हैव द राइट इन्फॉर्मेशन टू शेयर राइट नाउ. बैंक बैलेंस और एपिसोड बहुत हाँ मैं तो घबरा गया. मैंने बोला अभी बैंक बैलेंस भी बताना पड़ेगा, ऑफिस में अकाउंट वाले को पूछना पड़ेगा. सो वी आर ट्राइंग टू ऑफकोर्स क्रिएट द बैंक एट आर एंड ऑफकोर्स, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट ऑडियंस टू फील दैट दे हैव नॉट सीन द एपिसोड विच दे आर वेटिंग फॉर आई होप. सो वी आर क्रिएटिंग द बैंक फॉर द एपिसोड. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.